हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिद्दीपेट का गर्ल्स हॉस्टल। सो लेट्स टेक अ टूर। तो गर्ल्स हॉस्टल की एक ही बिल्डिंग है। इस गर्ल्स हॉस्टल में एक्चुअली 5 फ्लोर्स हैं और यहाँ पे सब सीनियर जूनियर सब साथ में रहते हैं। एक ही बिल्डिंग है गर्ल्स हॉस्टल की। तो ये है गर्ल्स हॉस्टल का की मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस और यहाँ पे सी बहुत ही ब्यूटीफुल रंगोली बना रखी है। तो यहाँ से एंट्रेंस है हॉस्टल की। ये लिफ्ट है, यहाँ पे स्टेयर्स हैं और दोनों साइड कॉमन रूम है। कॉमन रूम को एक्चुअली यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं और यहाँ पे एक बार हमारी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हुई थी। और ये जो बिल्कुल मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर हम लोग रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे हमारी वार्डन बैठती हैं और इन रजिस्टर्स में हमको एंट्री करनी होती है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर आते हैं। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे फर्स्ट एड का सामान है, अगर कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो वो इशू कर देते हैं। यहाँ पे कोरोना की गाइडलाइंस हैं और ये इधर वार्डन रूम है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये जूनियर्स का फ्लोर है, यहाँ पर 2K19 बैच के स्टूडेंट्स रहते हैं। चलिए मैं आपको हमारे फ्लोर पर लेके चलती हूँ। ये हमारा फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, यहाँ पे 2K18 बैच के स्टूडेंट्स रहते हैं। ये हमारी वॉचमैन आंटी हैं। हेलो आंटी। हाय। एला उंदी? बाउना। संक्रांति को इंटरलो पोलेदा? वच्चिना, आफ्टरनून वच्चिना। आफ्टरनून वच्चिना। ओके बाय आंटी। बाय। तो चलिए अब हम अपने रूम पे चलते हैं। ये जूनियर्स आ रहे हैं। हाय जूनियर। तो चलिए अब हमारे फ्लोर पे चलते हैं। ये 202 से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी 201 से। और देखिए हाइजीन का कितना ध्यान रखा गया है, हर रूम के बाहर डस्टबिन दिए गए हैं। अभी के कोई है नहीं, सब संक्रांति हॉलीडेज में घर गए हैं इसलिए बहुत सन्नाटा है, वरना तो सारा दिन चू चाय चू चाय। तो चलिए आगे की साइड चलते हैं। यहाँ पर हमारे वॉशरूम जो वॉशिंग एरिया होंगे। ये है वॉशिंग एरिया। यहाँ से सामने बॉयज हॉस्टल दिखता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्लेट्स वगैरह वॉश करने के लिए एरिया है और यहाँ पर आरओ लगा हुआ है। काफ़ी सारी विंडोज़ हैं यहाँ पर, तो वेंटिलेशन की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक और वॉशिंग एरिया है। एक्चुअली हॉस्टल में 4 वॉशिंग एरिया हैं, 2-2 हर एक साइड पर। चलिए आगे चलते हैं। हम पूरा राउंड एरिया ले रहे हैं हमारे फ्लोर का। अभी सभी रूम्स लॉक्ड हैं, सब अपने घर गए हुए हैं फेस्टिवल के लिए। यहाँ पर पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है और स्टाफ क्वार्टर्स बन रहे हैं। ये हमने पूरा राउंड ले लिया है तो हम ऑपोजिट साइड आ गए हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो हमको प्लेग्राउंड दिखाई देगा। और यहाँ पर एक और आरओ लगा हुआ है। तो चलिए अब हम हमारे रूम के पास पहुँच गए हैं, अब हमारे रूम में चलते हैं। काफ़ी वेट कराया है हमारे रूम के लिए, पर वो वर्थ होगा उसके लिए। ये है हमारा रूम। अंदर रिया हो गई, सब परमिशन ग्रांटेड फ्रॉम रिया। ये देखो हमारे रूम में बहुत क्रिएटिव लोग हैं जिन्होंने ये हैंडमेड थिंग्स बना रखी हैं मोटिवेशन के लिए, ऑल दो कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है इनसे। और ये है एप्रन, आज तक हमारी मेहनत की कमाई हुई चीज़ें हैं ये। वो यहाँ पे ड्राइंग चल रही है। ये देखिए ये मेरा कबर्ड है जहाँ पर ये एक मिनी कैलेंडर बनाया हुआ है। और ये डेकोरेशन हम यूजली बर्थडेज पे यूज़ करते हैं। और ये हमारा यशा का स्टडी कॉर्नर है। ये विंडो है और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है।
और ये हमारी यशा मैडम ने यहाँ पर प्लांट्स रख रखे हैं, उसको बहुत शौक है प्लांट का। तो चलिए अब रिया को डिस्टर्ब ना कर हम चलते हैं जूनियर्स के पास। ये तो सेकंड फ्लोर था और अभी हम थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे 2020 बैच के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर भी काफ़ी स्पेशियस है, ये कम्प्लीटली सेम रेप्लिका है हमारे सेकंड फ्लोर का। चलिए हम किसी जूनियर के रूम में चलते हैं। ये हमारे AIQ जूनियर्स का रूम है, तो चलिए अंदर चलते हैं। इस फ्लोर पर भी एक फ्लोर पे तीन बेड्स हैं, जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से एक रूम में चार लोग रहते हैं। और अब यहाँ से हम चलेंगे फोर्थ फ्लोर पर। एक्चुअली हॉस्टल बहुत बड़ा है और यहाँ पे टोटल 5 फ्लोर्स हैं। यहाँ पे अभी कोई है नहीं क्योंकि एक्चुअली हमारे कॉलेज में अभी सिर्फ 3 ही बैचेस हैं, तो यहाँ पे कुछ न्यू बैच आएगा तभी अकोमोडेशन होगी। यहाँ पे हम एक रूम में चलते हैं 401। यहाँ के रूम्स जो हैं वो थोड़े छोटे हैं क्योंकि यहाँ पे एक रूम में 2 लोग रहने के लिए अकोमोडेशन है, अलमीराज भी 2 हैं। पर चलिए देखते हैं, जब न्यू बैच आएगा तभी यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो चलिए अब हम सेम ऐसे ही 5th फ्लोर पे चलते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट के लिए मतलब 1 पर्सन पर रूम है। चलिए किसी एक रूम में चलते हैं 501। तो ये रूम थोड़ा छोटा है क्योंकि ये पर्सन एक रूम है और ये तो इंटर्नशिप में ही मिलेगा। और इस रूम की खास बात सबसे ये है कि यहाँ पर बालकनी है। ऑब्वियसली इंटर्न्स के लिए इतनी मेहनत के बाद कुछ तो अच्छा मिलेगा। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं यहाँ से। तो हर कोई इस 5th फ्लोर के रूम के लिए वेट कर रहा है बिकॉज यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है बालकनी से। तो ये है हमारा हॉस्टल की बिल्डिंग्स। अब हम चलेंगे प्लेग्राउंड एरिया की तरफ। चलिए अब हम बाहर चलते हैं, अब मैं आपको यहाँ का प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया दिखाऊंगी। वो सामने से हमारी सारमा आंटी आ रही हैं। हेलो सारमा आंटी। मंची उन्दी। तो चलिए आप प्लेग्राउंड की तरफ चलते हैं। और पीछे कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। एक्चुअली इसका मेन एंट्री जो प्लेग्राउंड की है वो दूसरी साइड से है और हम बैक साइड से आए हैं। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे अभी कोई व्हीकल नहीं खड़ा है क्योंकि सब घर गए हुए हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे पार्किंग होती है। और ये है प्लेग्राउंड, यहाँ पे ये 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं जहाँ पे शाम को लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते हुए मिल जाएंगे आपको। तो ये था हमारे गर्ल्स हॉस्टल का टूर, आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू।